हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। स्फेरिकल सेल कहिए या होलो स्फेयर, बात एक ही है। स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। और स्फेरिकल सेल और होलो स्फेयर बात एक ही है, समझने के लिए जस्ट लाइक फुटबॉल। ठीक है, समझने के लिए जस्ट लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। और चूंकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है कई बार आगे भी आपको मिलेगा, और ये अच्छे कॉन्सेप्ट में इस तरह का जो है लागू होता है, चाहे आगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहाँ भी देखेंगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, तो कई जगह पर लागू होता है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, स्फेरिकल सेल का या होलो स्फेयर का, और दो एक्सिस में निकालेंगे। पहला जो एक्सिस होगा, पहला एक्सिस होगा अबाउट डायमीटर एक्सिस, और दूसरा एक्सिस होगा टेंजेंशियल एक्सिस। तो पहला एक्सिस ही मेन एक्सिस है। अगर हम डायमीटर एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे तो फिर टेंजेंशियल एक्सिस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, वो आराम से हम लोग जो है थ्योरम लगा करके हम लोग निकाल लेंगे उसको। ठीक है, तो मेन आपका डायमीटर एक्सिस है। तब यहाँ समझिए, देखिए, यह कोई भी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल जस्ट लाइक फुटबॉल। अगर स्फेरिकल सेल को अगर ऐसे ऐसे अगर हम काटते चले जाएं तो क्या मिलेगा, स्फेरिकल सेल को अगर इस तरह से काटते चले जाएं तो क्या मिलेगा, कई रिंग मिलेगा, है ना। जैसे फुटबॉल को आप ऐसे ऐसे काटते चले जाओ, क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। क्या सभी रिंग का साइज बराबर होगा, सबसे बड़ा रिंग कहाँ पर मिलेगा, सबसे बड़ा रिंग कहाँ पर मिलेगा, सेंटर पर मिलेगा। और जैसे जैसे साइड जाएंगे तो रिंग का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टिप्स ये है कि हम लोग इसमें तीन मेजर स्टेप से होकर के गुजरेंगे। ठीक है, तीन मेजर स्टेप होगा, तीन स्टेप आपको ध्यान से देखना है। पहला स्टेप में क्या निकालेंगे, जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप में जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट का पहले मास निकालेंगे, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहला तो एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है। अब ये बताइए कि यहाँ पर यह जो है, यहाँ पर यह स्फेरिकल सेल को जब ऐसे काटते चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, एलिमेंट्री रिंग मिलेगा। तो यहाँ पर एक जो ये काटा गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्री रिंग है, ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज योर एलिमेंट्री रिंग। बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, क्योंकि फिगर आपका थ्री डायमेंशनल है, 3D फिगर है ना, तो इसके अंदर भी होगा, तो आपको ये पार्ट ऊपर वाला दिख रहा है। और देखिए, जैसे रेडियस जो है, ये फुटबॉल का रेडियस मतलब स्फेरिकल सेल का रेडियस है R, तो यहाँ पर जो है ये कितना हो गया, R साइन थीटा हो गया। अगर ये R है तो इधर वाला पार्ट R कॉस थीटा, इधर वाला पार्ट R साइन थीटा। तो हमको ये काम है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत है। तो ये कितना हो गया, R साइन थीटा हुआ। तो रेडियस जो है इसका जैसे जैसे इधर जाएंगे छोटा होता जाएगा। ऐसे भी समझिए, जैसे जैसे थीटा घटता जाएगा, इधर यहाँ पर काटेंगे रिंग और छोटा होगा, थीटा घटेगा, साइन थीटा का वैल्यू घटेगा तो ये रिंग का रेडियस घटेगा। फिर जैसे यहाँ पर अगर रिंग काटें, देखिए थीटा बड़ा होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिंग का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर एलिमेंट्री रिंग पर हम ये विचार कर रहे हैं, तो पहला स्टेप में तो एलिमेंट्री रिंग का हमें मास चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, मास पर यूनिट एरिया की मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे। तो मास पर यूनिट एरिया, या इसको सरफेस डेंसिटी भी कहते हैं, मान लिया सरफेस डेंसिटी रो है, ये जो कंसीडर करेंगे ये सब गायब होगा। तो यहाँ पर रो मान लिया, और यह है क्या, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है, मास अपॉन एरिया। मास पर यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है, मास अपॉन एरिया।
तो एम अपॉन 4πr² अब यहाँ देखिए तो ये रो का वैल्यू एम अपॉन 4πr² हो गया, इसलिए कि एरिया कितना होगा स्फेरिकल सेल का 4πr² होता है, ये ऊपर का क्षेत्रफल है ऊपरी एरिया तो 4πr² होगा, हालांकि सॉलिड स्फीयर होगा तो भी इसका ऊपरी क्षेत्रफल तो इतना ही होता है 4πr². अब यहाँ इसी बात को लिखा गया है स्फेरिकल सेल कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल एलिमेंट्री रिंग, स्फेरिकल सेल को कई एलिमेंट्री रिंग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक रिंग का क्या चाहिए, जो एलिमेंट्री रिंग होगा उसका हमें मास चाहिए, तो मास के लिए पहले एरिया चाहिए, एलिमेंट्री रिंग के मास के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो फिर देखिए वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इस तरह से अगर पतला है ये, इसको काट दिया तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, है ना। एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। इसलिए ये एलिमेंट्री पार्ट को जब हम लोग काट दिए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो वही लंबाई गुना चौड़ाई वाला कंसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, आई बात समझ में। इस तरह से काट के इसको सीधा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो इसका सरकमफेरेंस था कितना, लंबाई हो गई, तो सरकमफेरेंस इसकी हो कितनी जाएगी, 2πr या 2πr sin θ, 2πr sin θ, इसलिए रेडियस इसका r नहीं बल्कि r sin θ है। और उसके बाद अब ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ कितना होता है rd θ, ये आपको पता है, ये इसका जो वैल्यू होगा mn का वैल्यू कितना होगा rd θ। फिर वही बात क्यों होगा, तो ये बराबर यूज होता है डायरेक्ट, आपको पता है ये d θ इक्वल टू क्या होता है, r का अपॉन रेडियस, तो d θ इक्वल टू r का कितना हो गया mn, नीचे रेडियस, तो mn कितने के बराबर हो गया rd θ। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बार बार ये चीज़ यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है कि mn कितना हो गया साहब rd θ। तो ये देख लीजिए rd θ आपका, ये आपका थिकनेस हो गया। तो अब यही आपका एलिमेंट्री रिंग था, इसको तोड़ के सीधा किया, यह ऐसे रेक्टेंगल बना, आयत बना, तो इसका जो है अब हमें एरिया चाहिए, तो सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस मतलब लंबाई गुना चौड़ाई वाली बात हो गई, तो वही सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो सरकमफेरेंस के स्थान पर 2πr sin θ आया और थिकनेस के स्थान पर कितना आ गया rd θ। तो ये एरिया हुआ, क्या निकला एरिया 2π, 2r आ गया, r स्क्वायर कर दीजिए, sin θ d θ, तो ये क्या निकला साहब, क्या निकला, ये एरिया निकला एलिमेंट्री रिंग का। निकालना क्या है, अब मास निकालना है, मास पहला स्टेप का है, मास निकालना है, तो मास के लिए क्या करोगे, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी से गुना कर देंगे। ये मास पर यूनिट एरिया हमने माना है, इसका क्या मतलब हुआ, इकाई एरिया का मास इतना, इकाई एरिया का मास इतना, तो इतना एरिया का कितना इंटू रो कर देंगे, यूनिट एरिया का मास इतना, तो इतना एरिया का कितना, इससे रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग का मास कितना होगा साहब, बोलो 2π, बोलते चलिए आप लोग sin θ d θ, उसके बाद इंटू, कोई तकलीफ इसमें, 2πr² sin θ d θ इंटू रो, ये किसका मास निकला, एलिमेंट्री रिंग का, एलिमेंट्री रिंग का मास निकला, और ये पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस स्क्वायर ले सकते हैं, यह तो एलिमेंट्री पार्ट, ये रिंग बना, तो कोई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस स्क्वायर लिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ देखिए नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI ऑफ किसका निकालना है भैया, एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या करोगे इसके लिए, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो मास कितना निकाले एलिमेंट्री रिंग का, अभी निकाले हुए ना इसका, तो यहाँ ऐसे लिखना मास इंटू
रेडियस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर लिखने पे कहीं गलती हो सकती है, ऐसा लिखना है। तो मास अभी निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला, 2πr² साइन थीटा डी थीटा रो, ये मास हुआ। अब रेडियस के स्थान पर, हाँ ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, आर स्क्वायर नहीं लिख देना है, होता है मन में जैसे रेडियस आया तो तुरंत आर स्क्वायर, तो रेडियस इसका आर नहीं है। एलिमेंट्री रिंग का रेडियस देखिए ये कितना है साहब, एलिमेंट्री रिंग का ये रेडियस है साहब, ये कितना है, तो यहाँ पर आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ गए। अब यहाँ देखो ये 2πr² साइन थीटा डी थीटा रो, और यहाँ पर ये क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, देखते चलिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसमें कितना यहाँ पर, यहाँ पर देखो 2π और ये कितना हो गया यहाँ पर r4 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा इंटू रो। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, एलिमेंट्री रिंग का। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, एलिमेंट्री रिंग का। मास इंटू रेडियस स्क्वायर किया, मास ये है और रेडियस कितना है यहाँ पर इसका, आर साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर ये हमें मिल गया। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, एलिमेंट्री रिंग का। अब क्या करना है, अब किसका निकालना है, पूरे स्फेरिकल सेल का निकालना है, पूरे फुटबॉल का निकालना है, किसका निकालना है, पूरे स्फेरिकल सेल का, मतलब पूरा फुटबॉल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। नाउ एम आई ऑफ होल स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, पूरे स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2πr4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा रो। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा बाहर निकालेंगे। तो आइए पहले 2 बाहर, पाई बाहर, कैपिटल आर भी बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कैपिटल आर ये फुटबॉल का रेडियस है, यह तुम फिक्स है, कैपिटल आर क्या है, फुटबॉल का रेडियस है, यहाँ पर यह भी फिक्स है, इसको भी बाहर करिए, रो बाहर होना चाहिए, रो बाहर होना चाहिए, रो बाहर होना चाहिए, तो रो भी बाहर करिए। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ये बात समझ गए। तो यहाँ पर जो है, अब इसमें एक बात और बचा कि क्या लिमिट होगा इस इंटीग्रेशन का, क्या लिमिट होगा, व्हाट विल बी लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब ये सोच करके बताओ कि इसमें क्या जो है लिमिट होगा, ये सोच करके आपको बताना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो जरा ये बताओ लिमिट इसका क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ डी थीटा है तो थीटा वाला लिमिट होगा, डी थीटा है तो थीटा का लिमिट होगा, यह तो तय है। अब क्या होना चाहिए लिमिट, जीरो से पाई होना चाहिए या जीरो से 2π होना चाहिए या जीरो से π/2 लीजिए, ये सब ऑप्शन दिया आपको, क्या होना चाहिए, जीरो से पाई होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, जीरो से पाई, इसलिए कि जैसे ही ऐसे ऐसे काटते जाएंगे ना साहब, ऐसे ऐसे काटे जाएंगे तो ऑलरेडी नीचे भी तो कट ही रहा है ना, तो इसलिए पाई में ही पूरा रिंग का मैदान साफ हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो रिंग कट रहा, देखिए ऐसे कटा, ये काटते जा रहे हैं, ऐसे काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, क्या नीचे भी कट रहा है ना, कट रहा है ना, तो इसलिए जैसे ही जीरो से यहाँ से चलेंगे पाई एंगल तक जाएंगे तो नीचे का पूरा मैदान साफ हो जाएगा, है ना। तो जीरो से पाई तक में इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ तक लिखिए, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं।
आइए अब देखिए, तो यहाँ पर इसको अब इंटीग्रेट करना है, और यहाँ जो है साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, साइन क्यूब थीटा है। देखो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थ्री थीटा के लिए फॉर्मूला, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, इसका यूज करना है। तब यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, साइन क्यूब थीटा चाहिए। डायग्राम तो बना चुके ना आप लोग, साइन क्यूब थीटा चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको इधर कर देते हैं, फोर साइन क्यूब थीटा इधर भेजिए, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, इसको इधर फोर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा हो गया ना, इसको इधर किया इसको इधर किया, और हमें चाहिए साइन क्यूब थीटा, तो चार से डिवाइड कर देंगे ना, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर। देखिए अब तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो भाई नहीं, अब तो ये मैथ वाले का काम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब आइए इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकला हुआ है, आर फोर रो और इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा के बदले क्या पुट करें, यहाँ देखिए बोलते चलिए आप लोग जोर जोर से, साइन थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर, और उसके बाद डी थीटा अपने जगह पर, और लिमिट क्या जीरो से पाई। अब इस फोर को भी बाहर कर दिया जाए तो अच्छा है, नहीं टू पाई आर फोर रो और नीचे चार। अब ऐसा करते हैं इस इंटीग्रेशन को भी जरा अलग अलग कर देते हैं, तो थ्री साइन थीटा डी थीटा बोलते चलिए माइनस साइन थ्री थीटा डी थीटा, बोलो सब यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक बात है। तो अब देखिए लिमिट तो जीरो से पाई आपके पास है ही, जीरो से पाई, इसको ब्रैकेट इसका तोड़ा, थ्री साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन थ्री थीटा डी थीटा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक बात है। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा, तो पाई आर फोर रो अपॉन टू, ठीक है। तो अब यहाँ देखो थ्री भी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या करेंगे साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन थ्री थीटा डी थीटा, एक स्टेप और लिया चलिए, जीरो से पाए पाई आर फोर अपॉन टू इंटू रो, है ना। अब बोलो साहब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक बात है, तो जीरो से पाई लगा दिया माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब साइन थ्री थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थ्री थीटा का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस थ्री थीटा, और जो थीटा के बगल में होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस आ गया। उसके बाद जीरो से पाए अपने जगह पर, और फिर देखिए पाए आर फोर रो अपॉन टू, और इस माइनस को भी बाहर निकाल लो, जो लफड़ा वाला चीज है उसको बाहर रखिए, अंदर कोई भी कांस्टेंट हो तुरंत बाहर करिए, अंदर माइनस हो उसको तुरंत बाहर करिए, मिस्टेक से बचने के लिए ये जरूरी है। तो अब लिमिट बैठाने का तरीका, कॉस थीटा के स्थान पर पाए माइनस कॉस जीरो, अब यहाँ भी माइनस को तुरंत बाहर करिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाय थ्री भी बाहर हो गया, अंदर क्या बचा आप देखिए, तो कॉस थ्री और थीटा के स्थान पर
पाई माइनस कॉस कॉस जीरो, इसलिए कि तीन से को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही ना होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप आइए इसके पास, इसके बाद अब क्या करना है, इसको जोड़ घटाव करना है ना। तो आइए पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट करिए। अब आइए इसको कैलकुलेट करना है, एक बार फिर इसको देख लीजिए, ऊपर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर देखो पाए आर स्क्वायर अपॉन पाई आर फोर रो अपॉन टू है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये क्या है आपका माइनस थ्री है ना। अब यहाँ देखो कॉस पाई कितना होगा, बोलते चलिए आप लोग माइनस वन कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन कॉस जीरो वन, ये हो गया। उसके बाद वन बाई थ्री, फिर चलिए कॉस थ्री पाई, कॉस थ्री पाई भी माइनस वन, इसलिए कॉस थ्री पाई का मतलब कॉस टू पाई प्लस पाई दे सकते हो, और कॉस टू पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थ्री पाई भी माइनस वन, और यहाँ माइनस कॉस जीरो वन, हो गया ना, ठीक बात है। अब आइए पाई आर फोर रो अपॉन टू, ये कितना हो गया जी, माइनस वन माइनस वन तो माइनस टू हो गया, माइनस थ्री इंटू माइनस टू, और ये कितना हो गया माइनस टू, माइनस टू अपॉन थ्री। बोलो कोई तकलीफ है, ठीक है? तो पाई आर फोर रो अपॉन टू ये कितना हो गया माइनस सिक्स, ये आपका प्लस हो गया, तो प्लस सिक्स और माइनस टू बाई थ्री, ठीक है? तो कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, और एक काम अब और समय आ गया है कि उसको भी हम लोग पुट करें, रो का वैल्यू को पुट कर दिया जाए। तो रो का वैल्यू कितना था, मास अपॉन एरिया था एम अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू भी क्या करें पुट कर लें, तो पाई आर फोर और रो के स्थान पर एम अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, और दो तो यहाँ पर है ही अपने जगह पर, और यहाँ कितना आ गया देखो तो तीन, अट्ठारह में दो गया सोलह आ गया, पाई पाई भी खत्म हो गया, चार दूना आठ दूना सोलह, दो से खत्म हो गया आर स्क्वायर, यहाँ खत्म हो गया तो आर स्क्वायर ऊपर बचेगा ना एम आर स्क्वायर, और नीचे यहाँ इधर क्या बचा टू बाई थ्री, तो यही होता भी है टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। देखो कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, अगर चाहे जो हो डिस्क हो रिंग हो स्फेरिकल सेल हो सॉलिड स्फीयर हो, एम आर स्क्वायर तो होगा ही, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बदलता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है। तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, कितना मिला टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर, क्या मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है। और ये आपका कौन सा एक्सेस में निकला जी, कौन सा एक्सेस था, ये डायमीटर एक्सिस, ये मेन एक्सिस है। देखो डायमीटर एक्सिस जो है तो वो ऑलरेडी सीजी से भी पास करेगा, डायमीटर अगर है तो डायमीटर को तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करना ही होता है ना, डायमीटर का डिफिनेशन ही है इट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये डायमीटर एक्सिस है, डी डी डैश बोलिए सी सी डैश बोलिए एक ही बात है। और अब जो दूसरा निकालना है हम लोगों को, दूसरा जो एक्सिस है वो कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सिस, दूसरा जो एक्सिस है ये टेंजेंशियल एक्सिस में बात करेंगे। पहले ये हो गया, ये क्लियर है? अब आइए दूसरा वाला जो एक्सिस है टेंजेंशियल एक्सिस, बी वाला जो है टेंजेंशियल एक्सिस। देखो अभी जो हम लोग निकाले, फिर एक बार डायग्राम ये बनाइए, अभी जो हम लोगों ने निकाला ये तो आपका डायमीटर एक्सिस था, ऐसे सी सी डैश एक्सिस जो समझिए डी डी डैश, और अब जो निकालना है टेंजेंशियल एक्सिस, तो टेंजेंट होना चाहिए ये वाला एक्सिस,
ऐसे इस एक्सेस के अबाउट निकाला, आई बात समझ में? इस एक्सेस के अबाउट अभी निकाले, कितना निकाले? अभी निकाले, कितना निकाले? बोलो 2/3 MR2। ये CG से पास कर रहा है ना, इसको IG कंसीडर कर सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें? IG कंसीडर कर सकते हैं, तो IG 2/3 MR2 हो। और यहाँ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जनाब, क्या करना होगा? क्या करना होगा बोलो? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देना होगा, ठीक है? आप इस फिगर को चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ इस एक्सिस के अबाउट हम निकाले, IG 2/3 MR2, और निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। और ये कितने के बराबर होगा? यहाँ से यहाँ तक आर है, देख लीजिए, ये टेंजेंशियल एक्सिस है कि नहीं? टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट होना चाहिए, तो इस पर ये टेंजेंट है, इसको TT-PP- जो मान लीजिए आप, और ये तो CC- है ही, और ये आर है। तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा दें? बिल्कुल सही बात, तो चले आइए लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या करना है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो यहां पर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देना है। क्या करना है? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देना है। तो देखिए साहब, जब पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG MA2, और A जो है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, यही ना होता है? पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना? A = R। तो IG अभी निकाला हम लोगों ने 2/3 MR2 प्लस MR2, तो कितना हो गया, है ना? कितना हो गया? तो 1 + 1/2, तो 5/3 MR2, यही ना? तो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? अब देखिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, कहीं भी किसी भी चीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो उस एक्सिस के अबाउट, पहले तो ये देखें कि हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, तो हर एक एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग अलग होगा। हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, तो हर एक एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग अलग होगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे भैया अब इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन अगर ये पूछता है, तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास निकला है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास निकला है उसको क्या कर देंगे, MK2 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? MK2 के बराबर कर देंगे। तो I = MK2, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो यहाँ पर इस एक्सिस में क्या निकाले हम लोग, 5/3 MR2 MK2, मास खत्म हो गया। अब यहाँ पर K का जो वैल्यू है वो आपको दे देना है, K² = कितना हो जाएगा, 5/3 R2, तो K = R √5/3, तो यही यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन हुआ। ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट में हुआ, ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन हुआ। तो कहीं भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो फिर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना बहुत आसान है। क्या करना है साहब, सीधा उसको MK² के बराबर कर दीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ये रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस के अबाउट हुआ, लेकिन अगर डायमीटर एक्सिस के अबाउट बात करें तो हम लोग डायमीटर एक्सिस के अबाउट भी रेडियस ऑफ जायरेशन को निकाल सकते हैं, है ना? पाला जो लिए थे अबाउट डायमीटर एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा, तो I = फिर MK² कर देना। I कितना निकाले थे, 2/3 MR2,
एम के स्क्वायर मास मास गया, बाकी के स्क्वायर 2/3 r² हो गया, तो k इक्वल टू लिख देना है r अंडर रूट 2/3। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब देखो कि अगर किसी भी चीज का अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो, सपोज मान लो कि डायमीटर एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो, अगर मान लो यही आपको पता नहीं था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कोई बात नहीं, मान लो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो उस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे? तो अगर आई निकालना है तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, सीधी बात, मास सीधा किया आपको पता, इसको स्क्वायर कर दिया, हो गया, और क्या, आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 2/3, देख लो आ गया ना, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन का एप्लीकेशन है कि कोई भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना हो, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो तो आप एम के स्क्वायर कर दीजिए। तो किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर तो हम लोग ले ही सकते हैं, एम आर स्क्वायर किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं ले सकते, एम के स्क्वायर किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं जहां के क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता हो खोजिए, वो आपका काम है ना, लेकिन एम के स्क्वायर किसी भी चीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दे सकते हैं जहां के क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। आई बात समझ में? किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर दे सकते हैं। अब बोलो ये बात क्लियर हो गया, ये लिख लिया आप लोग? अच्छा ये बताओ, देखो जैसे मान लो अब इसमें ये तो देखे, हालांकि इसका बात अब खत्म हो गया, अब इसमें हम ये एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि मान लो ये स्फेरिकल सेल है, इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख लिए है ना, और अगर यहां पर अगर एक एक्सिस बना दें, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताइए, और इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3r है, और ये आपका ये रेडियस आपका जो है ये r है, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। जैसे मान लो ये स्फेरिकल सेल है, क्या है ये स्फेरिकल सेल है या हॉलो स्फेयर है, ठीक है, और ये एक्सिस देना जरूरी नहीं है, ये तो आपको देने दे करके समझ लो कि आसान कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये आपको स्फेरिकल सेल दिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, क्या करेंगे बताओ, तो जरा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, क्या करेंगे? तो पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम लगा देंगे। तो इसमें ये आपको खुद इमेजिन करना है कि भैया ठीक है स्फेरिकल सेल है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अभी निकाले हम लोग आई जी मान लेंगे कितना 2/3 एम आर स्क्वायर, क्या कोई तकलीफ है इसमें, ये तो पता है। तो यहां पर अब हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अब पैरेलल एक्सिस का एप्लीकेशन क्या होता है ये बात समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को। तो यहां पर लगा दीजिए आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, इसमें दो बात का ध्यान रखना, एक तो आई जी आपको पता है और इसमें खासा ध्यान ए का रखना, ए कितने के बराबर होगा, यहाँ चूंकि ये डिस्टेंस हमने आपको दिया है 3r और स्फेरिकल सेल का रेडियस ऑलरेडी r दिया हुआ है, तो 3r प्लस r मतलब 4r, तो यहाँ पर अब लगा दीजिए आई जी कितना हो गया साहब 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम एक स्थान पर 4r का स्क्वायर, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया जी 16 एम आर स्क्वायर, अब जोड़ दीजिए जो है 50/3, ठीक बात है, तो 50/3 एम आर स्क्वायर, बोलो ये बात समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 50/3 एम आर स्क्वायर,
फिर अगर पूछे अच्छा इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए, तो फिर इसको एम के स्क्वायर कर देना है, है ना। तो यहाँ पर पहले तो ये आंसर हो गया, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछे फिर हम कि ये बोले साहब कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, तो क्या करना, आई को फिर एम के स्क्वायर कर देना है ना, 50 अपॉन 3 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम गया रूट इस पर चढ़ा दीजिए, हो गया। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रूट अंडर 50/3 आर स्क्वायर, तो आर बाहर कर लीजिए 50/3। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये समझ गए, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, ठीक है, तो हम लोग टेंजेंशियल एक्सिस में भी निकाले पैरेलल एक्सिस का लगा करके, और फिर मान लो ये नहीं पूछ रहा हो आपको कोई भी अनदर एक्सिस दे दिया जो कि इसके पैरेलल है, तो फिर हम लोग इसके अबाउट भी लगा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो ये स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, और अगले लेक्चर में हम निकालेंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्फेरिकल सेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन है कौन सा, तो 2/3 mr² वाला। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरह से निकलता है, एक स्फेरिकल सेल के यूज से, और दूसरा जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए हैं उसके एप्लीकेशन से भी निकलता है ना, डिस्क के एप्लीकेशन से भी निकलता है और स्फेरिकल सेल के एप्लीकेशन से भी निकलता है। तो स्फेरिकल सेल के एप्लीकेशन से निकालना जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालेंगे सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, थैंक यू।